remarks which come from Parliament. In India, where the surnames of the... क्या हुआ? जो तो इस साल अगस्त की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की सुस्ती के संकेत को देखते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीडीपी में बढ़त के अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया था, जबकि इसके पहले रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष में विकास दर को 7% की बढ़त के होने का अनुमान लगाया था। इसमें सवाल उठता है कि क्या जीडीपी कम होने का मतलब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। इस पर भारत झुंझुनवाला इनसे इनकार करते हैं और इसका तकनीकी मतलब समझाते हुए कहते हैं कि मंदी तब आती है जब देश की जीडीपी दो तिमाही तक लगातार निगेटिव रहे, मतलब 6 महीने तक वो निगेटिव में चले जाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। वो कहते हैं फिलहाल हमारी विकास दर निगेटिव नहीं है, यह 5% है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो मंदी नहीं है और इसकी संभावना भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी भी हमारे सर्विस सेक्टर की विकास दर पॉजिटिव है। आंकड़े जारी करने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने सरकार का बचाव किया और कहा कि हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे प्रेरित प्रतीत होता है कि हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। उनका कहना था कि देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत भी खराब है, लेकिन इसके बावजूद हम 5% की दर से आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी